वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अभी मैं देखिए फिर से मैं निकल रहा हूँ तमिलनाडु। आप लोगों को पता है इससे पहले भी मैं इससे पहले बेंगलोर में जॉब कर रहा था, इस बार मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु में जॉब पकड़ूंगा या बेंगलोर में जॉब पकड़ूंगा, तो आप लोगों को आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी देखिए ये मैं अभी आ चुका हूँ, ये आप लोगों को कटनी जंक्शन पे भी हूँ, और ये हमारा ट्रेन संगमित्रा एक्सप्रेस जो कि आप लोगों को पता होगा दाना, ये ट्रेन पटना दानापुर से जो है ये बेंगलोर SMBT बेंगलोर तक जाती है। तो अभी मैं कटनी पहुंच चुका हूं, जो कि हमारी ट्रेन जो है पटना दानापुर से 8:15 में खुल चुकी थी, उसके बाद जो है कटनी 7:30 में पहुंच चुकी है, 7:30 में पहुंची है। और देखिए बेंगलोर पहुंचने का 3 बजे टाइम है, और कब पहुंचते हैं वो आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए आगे का अपडेट मैं करते रहूँगा। उसके बाद जो भी बेंगलोर में जॉब चाहते हैं वो मेरे चैनल पर अगर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेंगलोर तमिलनाडु भाई पूरा इंडिया में जॉब ब्लॉग दिखाता हूँ, जॉब करके भी दिखाता हूँ, वर्क करके भी दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं जनरल का हाल, देखिए अभी हम जा रहे हैं SMBT बेंगलोर, और देखिए जनरल का हाल हो गया भाई, बिहारी मजदूरी का, देखिए बिहारी मजदूर चालू है। अरे मुरी कौन छुपा रहे हैं वो गैज, आप लोगों को देखिए पहले भी बताए थे मैं जनरल से सफर कर रहा हूँ, आप लोग बार बार पूछते रहते हो तो आप कौन चीज से सफर करते हो, भाई जनरल से सफर करते हैं देखिए, और जनरल भाई के साथ और मस्ती करते हुए देखिए हम लोग अभी लूडो खेल रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा 48 घंटा का सफर, 48 घंटा में कुछ हम लोग मस्ती कर लेते हैं। देखिए अभी लूडो खेल रहे हैं, और देखिए हम लोग सब बिहारी भाई, और आप लोगों को दिख रहा है कितना भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। इतना मुश्किल से सफ़र करते हैं आप लोगों के लिए, जॉब सर्च करने जाते हैं फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग जो भी न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार दर बताते रहिए। इतना चूसिए लोग है भाई, एक कुछ का आगे में खड़ा रहने के बाद कर अंदर ढकेल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं नागपुर स्टेशन पे ऐसा ऐसा आदमी मिलता है भाई कि अपना इंडिया बदनाम करने में लगा रहता है। देखिए आदमी को बढ़िया से पहचान लीजिए, चूतिया है। पटना से चल के अभी मैं नागपुर आ चुका हूँ, नागपुर आप लोगों को पता होगा ये महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर अभी आया हूँ, और देखिए हमारी ट्रेन उस है संगमित्रा एक्सप्रेस, और चलिए आगे का जर्नी हम शुरू करते हैं और अपना जर्नी पूरा करते हैं। तो बेंगलोर हम लोग 3 बजे पहुँचेंगे, 3 PM, तो कल 3 PM भाई 24 घंटा का जर्नी हो चुका है, और 24 घंटा अभी और बिताना है। तो आप लोग देख रहे हैं ये नागपुर का स्टेशन, आप लोगों को चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ। ये नागपुर स्टेशन, ये ट्रेन दक्षिण एक्सप्रेस, और ये हमारी ट्रेन संगमित्रा एक्सप्रेस। तमिलनाडु, अभी मैं फ़िलहाल तमिलनाडु पहुंच चुका हूं, और देखिए पेराम्बूर स्टेशन से जस्ट पीछे हमारी ट्रेन भक्कम हो चुकी है, और भाई हर जगह जो है कुछ न कुछ खुरलुची इंसान रहते हैं जो कि यहां पे भक्कम कर चुके हैं। और देखिए गार्ड साहब ठीक कर रहे हैं वहां पर, देखिए तमिलनाडु का लास्ट स्टेशन ये जमालपट्टी स्टेशन, और ये हमारी ट्रेन संगमित्रा एक्सप्रेस। अड़तालीस घंटा हम लोगों का कंप्लीट, यात्रा का पूरा 48 घंटा कंप्लीट, जो कि हम लोग दानापुर से चले थे, अभी जो है हम लोग श्री कृष्णराजपुरम पहुंच चुके हैं। लगभग मैं 5 किलोमीटर पीछे ट्रेन रोक दिया है इसलिए, नहीं तो अभी तक पहुंच गए रहते। और किधर है ये उतर, देखिए कितना उत्सुक है भाई लोग 48 घंटा सफर करने के बाद, देखिए टोटल 48 घंटा, 2 रात 2 दिन 3 दिन
इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कुछ? क्या बोलेंगे हम लोग, यही 3 दिन का सफर है, पूरा थक चुके हैं, अभी कंप्लीट हो चुका है, कितना खुशी है, बहुत खुशी है। दालापुर से आए हम लोग, पूरा भाई का वीडियो बना चुके हैं अभी तक, भाई देखिए वेट रहने के कारण भाई अभी तक भरे हुए हैं, हम लोग निकलने के लिए पूरा देख रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या। गैज हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कृष्णा राजपुरम, आप लोग देख सकते हैं दानापुर टू SMPT। तो SMPT यहां से 5 किलोमीटर आगे है और हम लोग कृष्णा राजपुरम उतरेंगे, उतर चुके हैं और यहां से चल रहे हैं कंपनी की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं यहीं श्री कृष्णा राजपुरम स्टेशन, कृष्णा राजपुरम स्टेशन, और आप लोग देख रहे हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा। अभी आ चुकी है हमारी ट्रेन दानापुर से संगमित्रा एक्सप्रेस, देखिए कितना अच्छा अच्छा बिल्डिंग। हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं और देखिए बेंगलोर का बिल्डिंग, बेंगलोर इलेक्ट्रिक सिटी। सो गाइस ये देखिए एसी बस होने के कारण ये शीशा है, ये कांच होने के कारण पूरा फ्रेश पिक्चर नहीं आ रहा है। और चलिए आगे दिखाते, देखिए ये सैमसंग ऑफिस, ये सैमसंग ऑफिस कॉल सेंटर होगा, बहुत बड़ा ऑफिस है भाई, बहुत बड़ा ऑफिस है। अभी हम जो निकले हैं लगभग में 100-200 मीटर तक यहीं सैमसंग का ही ऑफिस आ रहा है। और चलिए आगे, हम कुछ अजीब आए तो हम आप लोगों को, बिल्डिंग अगर अजीब आएगा तो हम दिखाएंगे। और इस साइड देखिए ये हमारी बस है, और इधर देखिए ये मेट्रो बन रही है अभी। और कुछ देखिए आप लोगों को बेंगलोर का कुछ बिल्डिंग्स है, बेंगलोर का अद्भुत नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो गाइस देखिए ये छोटा सा बस स्टैंड, और देखिए ये कुछ बिल्डिंग का नज़ारा। और हाल में देखिए मेट्रो का काम भी पूरा स्पीड में चल रही है, लगभग में 1 ईयर के बाद इस होके मेट्रो से हम लोग गुजरेंगे।